बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 10th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक कवर, दैट इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने पढ़े हैं रेजिस्टेंसेस, तो इसमें टॉपिक में आप इस लेक्चर में कवर करने वाले हो कि अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो क्या आर इक्विवेलेंट निकल के आता है, और उन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या आर इक्विवेलेंट निकल कर आता है। चलिए देखिए, हम एक सर्किट बनाते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज से शुरू करते हैं। रेजिस्टेंसेस को हमने लगाया बच्चे सीरीज में, ये हमारी हो गई बैटरी या सेल, ये हमारा एक रेजिस्टर, ये हमारा दूसरा रेजिस्टर, और मान लीजिए हमने तीन रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है, मतलब एक के बाद एक। सीरीज का मतलब क्या है, एक के बाद एक लगाया है। सो लेट इसका रेजिस्टेंस है आर वन, इसका रेजिस्टेंस है आर टू, एंड इसका रेजिस्टेंस है आर थ्री। बेटा हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो बैटरी जितना करंट देती है, लेट सपोज बैटरी आपको आई करंट दे रही है और पोटेंशियल डिफरेंस इसका वी वोल्ट है, ठीक है, आपने कुछ वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है तीन रेजिस्टेंस से जो सीरीज में लगाए गए हैं, वो करंट ऑफर कर रही है कितना आई, तो ये आई करंट सर्किट में जाएगा, ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा और उतना ही करंट वापस आ जाता है। हमें ये पता है ये रूल के बैटरी से जितना करंट जाता है उतना ही करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाता है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव में उतना ही करंट वापस आ जाता है। तो यहां से गया, यहां पर भी आई करंट जाएगा, आर वन के अक्रॉस भी आई करंट ही जाएगा, आर टू के अक्रॉस भी आई करंट जाएगा, और आर थ्री के अक्रॉस भी आई करंट जाएगा। आई का पाथ बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो कोई भी करंट डिवाइड इसको होने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये बिल्कुल आई ही करंट तीनों रेजिस्टर्स में जाएगा। तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन आई इज सेम, आई इज सेम, जितने भी रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं आई उनमें सेम क्रॉस करेगा, तो आई इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स, ठीक है, तो आई बिल्कुल सेम ट्रेवल करने वाला है। अब बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो सीरीज में मान लीजिए आपकी 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, यहां से आपका करंट मूव किया 5 वोल्ट, इस पे 5 वोल्ट, बीच में एक रेजिस्टर आ गया, ये रेजिस्टर कुछ वोल्टेज ड्रॉप करा लेगा, ठीक है, तो 5 में से कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हो गई, फिर आगे बढ़ा आर टू भी कुछ आपकी पोटेंशियल ड्रॉप करा देगा, फिर आर थ्री में गया, आर थ्री भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करा देगा, और ये वापस ऐसे, ठीक है, तो R1 के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, R2 के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और R3 के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सपोज ये V है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1, R2 के अक्रॉस हुआ V2, और R3 के अक्रॉस हुआ V3, तो इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा, बट वो टोटल कितना होगा, That is equals to V. ये अगर 5 वोल्ट है तो मान लीजिए 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, और 1 इसमें हो गया, 5 से ज्यादा तो ड्रॉप नहीं हो सकता क्योंकि 5 से ज्यादा आपने इसको दिया ही नहीं है, ठीक है, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, V कितने में डिवाइड होने वाला है, अगर तीन रजिस्टर लगे हैं तो V1, V2 एंड V3। तो बस हमें ये याद रखना है, जब आप सीरीज का करने वाले हो करंट विल बी सेम थ्रू ऑल द रजिस्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, तो पोटेंशियल अलग हो जाएगा। बस यहीं से थोड़ा सा आगे चलते ही आपका डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। सो वी इज डिफरेंट, वी आपका डिवाइड हो जाएगा, बात समझ आ रही है, तो आगे बढ़िए। सो हमने क्या बोला, जितना टोटल पोटेंशियल रहने वाला है, जितना सेल आपने टोटल पोटेंशियल का लिया है वो ही डिवाइड होने वाला है, तो वी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस V3। अगर आपने एक और रेजिस्टर लगाया होता तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो जाता, इज इट क्लियर, चलिए, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इज दिस इक्वेशन क्लियर, आपका जितना भी आपने इसको ऑफर किया है वो इन तीनों में जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ V, व्हाट इज V, टोटल पोटेंशियल, एंड फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या कहा था बच्चों, कि V इज इक्वल्स टू आई आर, V क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल, सो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टोटल करंट, जितना
आपने सेल को दिया, जितना सेल से निकल रहा है दैट इज टोटल करंट, एंड व्हाट इज आर टोटल वोल्टेज. बेटा इस टोटल वोल्टेज के लिए ये आर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टोटल वोल्टेज की. ठीक है, तो टोटल वोल्टेज के लिए टोटल रेजिस्टेंस देखेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या देखेंगे, आर इक्विवेलेंट. मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या इक्विवेलेंट देने वाले हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर करने वाले हैं बैटरी को. ठीक है, हमें आर वन आर टू आर थ्री का इक्विवेलेंट निकालना है. सो टोटल वोल्टेज मतलब टोटल रेजिस्टेंस आप देखोगे कि जितने तीनों मिलाकर देने वाले हैं, तो वो देखते हैं कितना आने वाला है. सो V1 इज R1, द पोटेंशियल द रेजिस्टेंस अक्रॉस V1 इज R1, एंड करंट कितना फ्लो कर रहा है V1 के अक्रॉस, I. सो I V1 कितना हो जाएगा बाय ओम्स लॉ, अगेन IR1 प्लस V2 कितना हो जाएगा IR2 प्लस V3 कितना हो जाएगा IR3. सो ये हो जाएगा हमारे इक्वेशन आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री. हमने कुछ नहीं किया, हमने V की वैल्यू रखी, हमने V1 की वैल्यू रखी, V2 की वैल्यू रखी, V3 की वैल्यू रखी बाय यूजिंग ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, हमें फॉर्मूला दिया था ओम्स लॉ ने. चलो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. सो V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, जो R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट आने वाला है, देन IR1 प्लस, क्योंकि I तीनों में ही सेम है इसलिए I और I ही लिखना है आपको, IR2 प्लस IR3. I आप कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ. ठीक है, तो I क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. सो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3. यही हमें निकालना था कि इन तीनों का इक्विवेलेंट, ये जो रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाई है, टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे इस सेल को, तो कितना करने वाले हैं, जस्ट सिंपली देयर सम R1 प्लस R2 प्लस R3. तो अगर आप रेजिस्टेंस को बेटा सीरीज में लगाते हो, तो जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो उन तीनों का सम निकल के आता है. मतलब रेजिस्टेंस अब काफी बढ़ने वाला है, मान लीजिए 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है. ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9 ओम दे देगा. ये सिंगल सिंगल कितना दे रहे थे, 1, 2, 3 समथिंग, तो नेट कितना देने वाले हैं, उस तीनों का सम, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे अब ये इस बैटरी के लिए. इज इट क्लियर? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ध्यान रखना है आई इज सेम इन सीरीज एंड वी इज डिफरेंट, एंड दैट डिफरेंट वी इज सम ऑफ दिस टोटल वोल्टेज. तो इक्वेशन बस हमें याद रखनी है, वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. फिर आप वैल्यूज रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये हो गया हमारा सीरीज के लिए. अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की. पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब जो आपने रेजिस्टेंस है, बना लेते हैं पैरेलल में, जो आपने रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट किए हैं. देखिए हमने एक दूसरे से ये कैसे कनेक्ट किए हैं, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है, सीरीज में नहीं है, एक के बाद एक नहीं है. सो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका ये R1 है, आपका R2 है एंड आपका R3 है. ठीक है, करंट आपकी ये V वोल्ट की बैटरी है, करंट निकला इससे I, तो I ही वापस आना चाहिए एनी हाउ, दिस इज द रूल कि जितना करंट बैटरी से जाएगा उतना ही करंट बैटरी में वापस आएगा. तो मान लीजिए I करंट चला, यहां पे भी I करंट पहुंचेगा. अब देखो इसके पास इस डायरेक्शन इस पे जाने पर इसको करंट को तीन रास्ते मिल रहे हैं, कितने रास्ते मिल रहे हैं, तीन. तो अभी तीनों में I I I तो नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल इज I, घूमकर कितना आना है, I ही आना है. तो अभी करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको तीन रास्ते मिल गए हैं, कितने रास्ते, तीन. तो ये तीन रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि आपका R1 R2 R3 की वैल्यूज कितनी है. तो मान लीजिए R1 के अक्रॉस आपका I1 करंट चला गया, R2 के अक्रॉस आपका I2 करंट चला गया, और R3 के अक्रॉस आपका I3 करंट चला गया. ठीक है, अब ये वापस यहां से I1 गया, यहां से I2, यहां से I3, तो वापस घूम के क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट आ जाएगा, और यहां से I. तो इसका क्या मतलब है, I करंट गया तीन में डिवाइड हुआ, मान लीजिए यहां से 2, 6 एम्पीयर का करंट गया, 2 यहां चला गया, 2 यहां चला गया, 2 यहां चला गया. ठीक है,
तो वापस यहाँ पे मिलेगा तो 6 बन जाएगा, मतलब जितना करंट चलेगा उतना ही वापस बन जाएगा। तो यहां से इक्वेशन क्या निकल सकती है आपकी, I इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें पैरेलल में याद रखना है कि करंट डिवाइड्स, करंट अब सेम नहीं रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट डिवाइड्स। अब वोल्टेज की बात करते हैं, तो यहां से आपका V वोल्ट, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका V वोल्ट हमने दे दिया, इसको हमने पूरा V दे दिया और नेगेटिव को पूरा जीरो दे दिया। तो ये तीनों आपके रेजिस्टेंस हैं जो A और B के बीच में है, A और B के बीच में है। तो जितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी उतनी वोल्टेज इसके अक्रॉस और उतनी ही वोल्टेज R3 के अक्रॉस, क्योंकि V से क्या है, इस पॉइंट से क्या है, तीनों सेम डिस्टेंसेस पर हैं, तीनों सेम डिस्टेंसेस पर हैं। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी आपकी वोल्टेज बैटरी की होती है उतनी ही वोल्टेज आपकी R1, R2, R3 के अक्रॉस होगी। दिस वोल्टेज इज गोइंग टू बी सेम अक्रॉस R1, R2 एंड R3। तो आपके यहां से इक्वेशन बन जाएगी सिंपल, I इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ठीक है, अब I को यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर था, तो I क्या हो जाएगा आपका, V क्या था इज इक्वल्स टू आई आर, तो आपका I क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा। सो टोटल करंट इज टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R इक्वलेंट। I1 कितना हो जाएगा, V बाय R1, देखो I1 V बाय R1, I2 V बाय R2 एंड I3 V बाय R3। अब V से V आप कट देंगे, ये V और ये V क्या हो जाएगा, कट। सो फॉर्मूला आ जाएगा आपका R इक्वलेंट का, 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हो जाएगा हमारा R इक्वलेंट का फॉर्मूला। सो दिस इज R इक्वलेंट फॉर्मूला, 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो अगर हम किसी को पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं तो हमें जो R इक्वलेंट आएगा वो ऐसे आने वाला है। तो मतलब रेजिस्टेंस हमारा, टोटल रेजिस्टेंस अब कम हो जाएगा अगर हम इसको सीरीज से कंपेयर करें। सीरीज में तो ऐड होने वाला है, इसमें जो R इक्वलेंट आने वाला है वो अगर जितना इंडिविजुअल थे उससे भी कम आ जाएगा। जब आप फिर आगे जाके इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आगे की वीडियो से प्लीज कनेक्टेड रहिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।